नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना महामारी के बीच नाइजीरिया में तेजी से पांव पसार रहा लासा फीवर दुनिया के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार नाइजीरिया में इस साल 88 दिनों में लासा फीवर से 123 लोगों की जान गई है। ब्रिटेन में 2 मरीज मिले हैं, जबकि 1 मरीज की जान गई है। 25% रोगी जो लासा फीवर को मात देते हैं उनमें बहरापन होता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुधवार को कथित तौर पर असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना साधा गया और काफी तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने वादे को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि आने वाला समय ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले कारों और फ्लेक्स इंजन का है। उन्होंने कहा है था कि राजधानी दिल्ली में जल्द ही वो ग्रीन एनर्जी से चलने वाली कार की सवारी करते हुए दिखेंगे। गडकरी ने अब अपना वादा पूरा कर दिया है। वो बुधवार को संसद परिसर पहुंचने के लिए अपने आवास से ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार में सवार हुए। इस्तांबुल में मंगलवार को यूक्रेन और रूस के बीच हुई बातचीत के बाद यूक्रेन ने कुछ सैन्य ऑपरेशन को कम करने के रूस के वादे पर संदेह जताया है। दोनों देशों ने फिर से बातचीत पर लौटने की योजना बनाई है, जो युद्ध को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की इस घोषणा पर विश्वास करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपने आने वाली फिल्म 10वीं की स्क्रीनिंग का आगरा सेंट्रल जेल के कैदियों से वादा किया था। अभिषेक 2000 जेल कैदियों के लिए 10वीं की स्क्रीनिंग के लिए आगरा वापस आए थे। स्क्रीनिंग के सेटअप में वरिष्ठ अधिकारियों ने कास्ट और क्रू का स्वागत किया है। स्क्रीनिंग में अभिषेक के साथ साथ सह कलाकार यामी गौतम, निमृत कौर और निर्देशक तुषार जलोटा शामिल थे। भोरमदेव मंदिर में बुधवार से महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। महोत्सव की शुरुआत भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ साथ मंदिर प्रांगण में विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के पारंपरिक नृत्य के साथ शुरुआत की गई। इस 2 दिवसीय महोत्सव में बॉलीवुड के डांसर ग्रुप और सिंगर भी अपनी प्रस्तुति देते देखे गए। हर साल होने वाला ये महोत्सव इस बार कोविड संक्रमण के चलते 2 साल बाद आयोजित हो रहा है। इस बार महोत्सव में छत्तीसगढ़ के स्थानीय और अंचल के कलाकारों को भी महत्व देते हुए मंच प्रदान किया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 5वें मैच में संजू सैमसन ने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपने 27 गेंदों की पारी के दौरान चौकों से ज्यादा छक्के लगाए। संजू ने 3 चौके 5 छक्कों की मदद से 55 रनों की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने शेन वॉटसन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। वो भुवनेश्वर कुमार ने भी अपने नाम एक रिकॉर्ड बनाया है। आईपीएल में मंगलवार को हुए मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थी। ये मुकाबले को देखने के लिए सनराइजर हैदराबाद की सीईओ कात्या मारन भी स्टेडियम में पहुंची थी। मैच में वो कई बार अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आई। पूरे वक्त मैच में वो छाई रही। मैच में विकेट गिरने से लेकर चौके छक्के पड़ने पर कात्या मारन जो रिएक्शन दे रही थी वो सब कैमरे में कैद हो रहे थे। कुछ देर में कैमरा उन पर ठहरे जा रहा था। केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3 बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। इस वित्तीय वर्ष की अंतिम कैबिनेट बैठक आज 30 मार्च 2022 को हुई। बैठक में 3% डीए बढ़ाने पर मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों के मार्च वेतन के साथ नया महंगाई भत्ते के साथ ही जमा किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते भले ही भारत समेत दुनिया भर में कच्चे तेल और कई चीजों के दाम बढ़े हुए हो, लेकिन इस जंग का फायदा भारतीय किसानों को जरूर मिलता दिखाई दे रहा है। दोनों देश के बीच युद्ध के चलते दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और अब इसका असर भारत में भी दिख रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन बाजार में ये दाम 2250 से लेकर 2300 रुपए तक है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल से जुड़े देशों ने बुधवार को कोलंबो में आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान बिम्स्टेक अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भूटान, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार के नेताओं ने शिरकत की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता से सकारात्मक संकेत मिले हैं। जेलेंस्की ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो में कहा है कि हम बातचीत के मंच से जो संकेत सुनते हैं और सकारात्मक कहा जा सकता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया था। साथ ही जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन सभी जोखिमों से अवगत है और केवल ठोस परिणामों पर भरोसा करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से अपने दायित्वों के प्रति सजग रहने की हिदायत देते हुए कहा है कि लेट लतीफी अथवा एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदेश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमान संभालने के बाद श्री योगी ने बुधवार को उच्च अधिकारियों की एक बैठक में कहा है कि समस्याओं के निस्तारण की जवाबदेही तय हो।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 2023-27 सत्र के लिए मीडिया अधिकारियों के लिए टेंडर जारी कर दिया है। बीसीसीआई ने कहा है कि इसके लिए ई नीलामी 12 जून से शुरू होगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि टेंडर दस्तावेज अब खरीद के लिए उपलब्ध है। ट्वीट में कहा गया है कि आईपीएल इतिहास में पहली बार मीडिया अधिकारों की ई नीलामी की जाएगी। ई नीलामी 12 जून 2022 से शुरू होगी। माना जा रहा है कि बीसीसीआई को आईपीएल 2023-27 के मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर 45,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत मिल सकती है। ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। वो कैंडिडेट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आवेदन कर ले। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके अंतिम तारीख से पहले बताए गए पते पर आवेदन पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। याद रहे कि अंतिम तारीख के बाद मिले किसी भी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन जमा करने की कल यानी कि 31 मार्च अंतिम तारीख है। सनराइजर हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान धीमी ओवर गति के कारण जुर्माना लगाया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि चूंकि आईपीएल की आचार संहिता के तहत न्यूनतम ओवर रेट अपराधों से संबंधित सीजन का यह टीम का पहला अपराध था, इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा 25 मार्च और अब अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह का 2 दिवसीय दौरा और उनके बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फिर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की 3 अप्रैल की यात्रा कई कूटनीतिक संकेत दे रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद भगवंत मान पहली बार पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला पहुंचे। यहां सीएम भगवंत मान ने कहा है कि धन की कमी से जूझ रहे विश्वविद्यालयों को कर्ज में नहीं छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि मान के पूर्ववर्ती चरणजीत सिंह चन्नी ने विश्वविद्यालय के बकाया ऋण को माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन मौजूदा सीएम ने अपने दौरे के दौरान इस बारे में कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 देशों के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए वर्चुअली संबोधित करते देखे गए। श्रीलंका की अध्यक्षता में इस साल आयोजित हुए शिखर सम्मेलन पीएम मोदी ने यूक्रेन पर और रूस के बीच जारी युद्ध को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने इंटरनेशनल लेवल पर स्थिरता को लेकर सवालिया निशान लगा दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार एनटीपीसी सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए 20 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। संशोधित रिजल्ट अप्रैल पहले सप्ताह में जारी किया जाना था, लेकिन रेलवे ने एक सप्ताह पहले इसकी घोषणा कर दी। इस भर्ती परीक्षा के जरिए एनटीपीसी के कुल 35,281 पदों पर भर्ती होगी। पाकिस्तान में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए रोजाना कोई ना कोई हथकंडा अपना ही रहे हैं। उन्होंने इस सियासी उथल पुथल के बीच विपक्ष पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें विदेश से धमकी भरा पत्र मिल रहा है और वो इस पत्र को आज पत्रकारों से साझा करेंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इसे संसद में साझा करने की चुनौती दी थी, लेकिन वो इस बात से मुकर गए थे। भारत ने 5 दिनों के भीतर दूसरी बार बुधवार को मध्यम दूरी के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के भारतीय सेना संस्करण के 2 सफल परीक्षण करके एयरोस्पेस की दुनिया में एक और कामयाबी हासिल की है। उन्नत मिसाइल का यह परीक्षण ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में किया गया। मिसाइलों ने हवाई लक्ष्यों को रोक दिया और दोनों सीमाओं पर सीधे हिट करते हुए उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हीरो मोटो कॉर्प ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 1,000 करोड़ रुपए के झूठे खर्च के दावों की रिपोर्ट का खंडन किया है। उसने कहा है कि ये महज अफवाह है। कंपनी ने कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीते सप्ताह उसके कार्यालयों का दौरा किया और उसने अधिकारियों को सभी जरूरी दस्तावेज और डेटा दे दिया है। आगे वो जो भी और कागजात मांगेंगे उन्हें दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर बताया कि पीएम मोदी की डेली टू डू लिस्ट कैसी है। राहुल के मुताबिक पीएम मोदी रोज सुबह यही सोचते होंगे कि पेट्रोल डीजल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं, लोगों के खर्चे पे चर्चा कैसे रुकवाऊं, युवाओं को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं, आज किस सरकारी कंपनी को बेचूं और किसानों को कैसे लाचार करूं। राहुल गांधी आज शाम 4:30 बजे तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनके आवास पर मुलाकात करते देखे गए। राज्य में राजनीतिक स्थिरता और हाल ही में राज्य में 40 लाख डिजिटल सदस्यों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी, सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, कोमा टी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और अन्य नेता सहित तेलंगाना कांग्रेस के नेता राज्य के एआईसीसी प्रभारी मणिकम टेगोर के साथ उपस्थित हुए। कांग्रेस में संगठन चुनाव को लेकर बीते 1 नवम्बर से जारी सदस्यता अभियान 31 मार्च को पूरा होने वाला है। एनसीपी के युवा मोर्चा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहत शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने की बात कही गई थी। एनसीपी युवा मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। महाराष्ट्र एनसीपी यूथ विंग के वर्किंग प्रेसिडेंट रविकांत तोपे ने कहा है कि हमने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें सिफारिश की गई थी कि एनसीपी चीफ को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। हालांकि वहां मौजूद एनसीपी चीफ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं बंद होने के बाद केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द ही 5 से 11 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को हरी झंडी दिखाए। जानकारी के मुताबिक श्री सिंह ने आज औपचारिक तौर पर कहा है कि वो जब ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई है तो केंद्र सरकार को 5 से 11 साल के बच्चों के कोविड टीकाकरण पर तत्काल फैसला करना चाहिए। इस उम्र के बच्चों के लिए एकमात्र फाइजर कंपनी के टीके को अनुमति प्राप्त हुई है। ये टीका कई पश्चिमी देश में दिया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान दिया है कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता समय की मांग है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी स्तंभ है। पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सिंघवी ने ट्वीट किया, गैर भाजपा विपक्ष समय की मांग है, ममता इसकी स्तंभ है। 2024 के लिए राज्यवार हर घटक को समन्वय के साथ एकजुट करना होगा ताकि मतों के विभाजन को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में उत्तराखंड के 56,000 से अधिक बच्चे प्रतिभाग करेंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक राज्य में कुल 56,067 छात्र अध्यापकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किए जाने के लिए अपना पंजीकरण कराया है, जबकि रुड़की के विश्वजीत और कालसी देहरादून की संजीति सीधे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अपनी विदेश यात्रा को विकास से जोड़ने पर बुधवार को तंज कसते हुए कहा कि समग्र विकास के लिए यही सोच और दृष्टिकोण जरूरी है जो बिना विदेशी दौरे के भी संभव है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अर्पण कुमार, अविनाश कुमार, अंकिता अग्रवाल, मथिलेश कुमार, दिवाकर कुमार, छोटू कुमार यादव, सुजीत कुमार, धीरज कुमार, नरेश कुमार, गौरव कुमार, ध्रुव कुमार और अंकुश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार MS धोनी के CSK की कप्तानी को छोड़ने के बाद क्या चेन्नई को इस IPL सीजन में नुकसान होगा या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।